अपने ही हत्थां दे नाल पाल पोस के वड्डी कीती सोहनी कुड़ी नूं पिता दे वल्लों खत्म करन दा एक खौफनाक कारा सामने आया। जदों पता लग्गिया कि उसने अपनी जवान धी जिसकी उम्र 23 साल की है उसकी जान लै ली। परिवारिक मैंबरां नूं हुण तक इस गल ते यकीन नहीं कि इस कुड़ी दे प्यो दे वल्लों ही इंज कीता गया। सरेआम खत्म करन तों बाद उसने पिंड दे ही नाले दे विच अपनी धी दी मृतक देह नूं सुट दिता अते उस तों बाद उह ड्रामे करन लग पिया। पूरी साजिश रची गई अते पुलिस नूं वी जाके उसने गुमराह करन दी कोशिश कीती। खौफनाक वारदात नूं अंजाम दिता गया। दस दिए कि यह खबर मोगा तो सामने आ रही है जिथे प्यो दे वल्लों अपनी धी नूं खत्म कर दिता गया। इस घटना तो बाद इलाके दे विच दहशत का माहौल है। पिंड तारेवाला दे विच मंगलवार शाम नूं गंदे नाले दे विचों जवान कुड़ी दी मृतक देह मिली, जिस तो बाद पुलिस हरकत दे विच आई अते इसकी शनाख्त कर ली गई। इस लड़की दी शनाख्त करन तो बाद पता लग्या कि इसका नाम रमनदीप कौर है। इसे पिंड दी यह रहन वाली है अते इन्ने माड़े हालातों दे विच इसकी मृतक देह मिली कि देख के हर कोई कंब गया। पुलिस ने इस पूरे मामले नूं लै के जदों पिता तो सख्ती दे नाल पुछगिछ कीती तां उसने मन्या कि उसने ही इस माड़ी घटना नूं अंजाम दिता है। हालांकि वह कुछ दिन पहला थाने दे विच जाके अपने धी दे लापता होण दी रिपोर्ट खुद ही दर्ज करवा के आया सी। दोषी पिता नूं पूरे मामले दे विच शक सी कि उसकी धी गलत है, जदों कि वह लोगों के घरां दे विच सिर्फ कम करन जांदी सी। चड़ीक थाना इंचार्ज पूरन सिंह ने इस मौके पर दस्या कि मृतक दे दी पछाण रमनदीप कौर उम्र 23 साल के वजो की गई है। 11 सितंबर वह लापता हुई अते 16 सितंबर इसका प्यो रिपोर्ट दर्ज करवाउण आया सी। इस तो बाद बेटी की भाल की गई, पर जो सब कुछ सामने आया तो पता लग्या कि पिता दे वल्लों ही इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल पुलिस के वलों इस दोषी पिता को काबू कर लिया गया, जिसने सख्ती के नाल पूछगिछ करन तो बाद इस गल नूं मान लिया कि उसने ही अपनी धी नूं खत्म किया, क्यों जो उसके चरित्र के उपर शक करता सी। मिति 18 तरीक नूं पिंड तारेवाला दे सेम नाले विचों मिली सी। सुबह सानूं इस दे बारे इनफॉर्मेशन आई तां मुख अफसर थाणा चड़िक उत्थे मौके ते पहुंचिया। उत्थे सानूं सेम नाले दे विच बरामद हुई। उस नूं असीं जदों शनाख्त कर लगवाया ते उस तों बाद उस दी जिहड़ी शनाख्त है उह रमनदीप कौर पुत्री बलदेव सिंह वजों हुई, जिहदी की उम्र करीब 22-23 साल की सीगी। उस तो बाद जिहड़ी कि हालात 'च लाश सानूं मिली सी, इस करके असीं FIR नंबर 194/194/23 अंडर सैक्शन 302-201 IPC के अधीन असी दर्ज करके तफ्तीश नूं अमल में लिया। दौराने तफ्तीश जिहड़ा इस हालात जिहड़े तत्थ सामने आए कि जिहड़ा इहदा लड़की का पिता सीगा बलदेव सिंह, वह अपनी लड़की के चाल चलन से शक करता सीगा। इस दे चक्कर विच उसने मिति 11 तरीक नूं गला घुट के चुन्नी बुरद बुरद कर ली, जिहड़ी उह डेमनाला दे विच सुट दित्ती ते उस तों बाद खुद ही आके जिहड़ी उसने गुमशुदगी दी रफ्त लगवाती सी। अगली असी दोषी नूं साडी कस्टडी 'च है, उसनूं असी गिरफ्तार कर लिया ते उस तों बाद हुण जिहड़ी अगली तफ्तीश आ उह असी अमल विच लिआंदी जा रही है। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚੁਆਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੀ ਕੀ ਬੇਸਿਸ ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਸੀ। अननोन बंदे के ऊपर 302 का केस रजिस्टर कर दिता और इन्वेस्टिगेशन साढ़े पुलिस ने लिया जाना शुरू कर दी। और ये मोटिव ये सीगा लड़की तोड़ते इन्हें दी शक सीगा बाप नू लड़की दी कैरेक्टर दे बारे में और इन्हें कहने से वो बाहर चले गई, उस करके गुस्सा दे विच और उन बलदेव भी अरेस्ट हो गया है। और ये बलदेव किसी कंपनी दी ड्राइवर दा काम करता है, चिड़ीची रहने वाला है, उन्हें अरेस्ट हो गया, उन्हें पुलिस फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। देखो साढ़े मुताबक इन्होंने शायद 9-10 तारीख और करीब हफ्ता 4 दिन के बाद इन्होंने पुलिस से आके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी है। उस बाद सानू 2 दिन के करीब सानू 18 तारीख की सू हम असी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने पूछताछ के मुताबक उन्होंने गल् भी कुटी हैं और दबाया भी है और उसके बाद फिर उन्होंने पैर बन के इतने नहर आके सुट दिता, सू मिली है। फिर जदों सू शनाखत होगी
फिर मिसिंग रिपोर्ट से असी मैच कर दिता, मैच करके फिर उन्होंने बाप ने असी पूछताछ के लिए बुलाया, वेरीफाई किया और उन्होंने मान लिया है। समाज सेवा सोसायटी रिजैक्शन मोगा के सारे ही सेवादार साढ़े प्रधान डॉक्टर रवि जी तो समुची टीम अज तारे वाले पहुंची है इतने गंदे नाले को जिथे कि सानू समाज सेवा सोसायटी ने परमिशन मिली थी उसे इन्हों के परिवारक मैंबर उन्होंने तालमेल हो गया वा सिविल अस्पताल मोगा विखे मोर्चे के रखा जिथे कि जो भी अपरंत इसकी कार्रवाई होगी वो पुलिस प्रशासन जिमें भी करेगा उस हिसाब नाल की जाऊगी। समाज सेवा सोसायटी के मैंबर हमेशा ही सेवा को समर्पित आ, 24 घंटे सेवा के साडे सारे मैंबर हाजिर आ। धन्यवाद। इसकी एक दो जानकारी किमें कितों किमें मिली? सत श्री अकाल जी सारियां नूं, इह सानूं अज सुबह ही हुण अजे इतलाह आई सी कि पिंड तारे वाले का जिहड़ा हैगा है सूआ है सेम है उहदे विच इक गली ते असीं मौके ते पहुंचे हां। मैं हां SHO पूर्ण सिंह थाणा चिड़क ते मेरे नाल सरदार जरनैल सिंह साडी पुलिस पार्टी है। जदों असीं इत्थे आए ते साढ़े जिले दे विच बहुत ही निष्काम सेवा करदी सोसायटी समाज सेवा सोसायटी है जिहदी रहनमई जिहदी जिहड़ी हैगी सारा संचालन वो सारे सज्जन कर रहे ने सरदार बलजीत सिंह जी चानी जिहड़े हुण इस टाइम मेयर दे अहुदे ते तैनात ने डिस्ट्रिक्ट मोगा दे विच ते उस अहुदे ते तैनात हुंदिआं वी इह समाज सेवा करदे ने अकॉर्डिंग टू तरीका जिवें अपनाउंदे हुंदे आ। बड़े सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद आ पाई सा सेवा की सफल है जे सतगुरु का मन मने। एक गुरु साहब फरमाते ने फरीदा मोहे मरने का चाओ है ते मरु त हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। सो इहो जे हालात बन जाते ने जदों कोई जीव पता नहीं कुदरती किहड़े तरीके नाल ओह दुनिया तो चला जाता उहदा शरीर प्यार रहिंदा है। सो इन्हां ने आपदी ड्यूटी बड़े ही निष्काम सेवा नाल निभा दित्ती, असीं नाल आए इन्हां दे, इन्हां ने प्रशासन की मदद की अपना मेयर साहब ने इन्हां दी सारी टीम ने। हुण नैक्सट इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन असी करांगे, इन्हूं पहलां देखांगे, इहदी शनाख्त करावांगे, फिर हालात देखांगे वी की हालात बने इन्हां दोई है, फिर ये देखा जाऊगा कारण सन किन्ने कीती है, वो फरदर इन्वेस्टिगेशन दे विच सारे हालात आ जाने ने। ते जिहड़ा इन्हां ने कार्ज कीता है सलाघाजोग है पुलिस प्रशासन जिला मोगा परिवार मानजोग SSP साहब मानजोग DSP सिटी साहब तां सारे ही इन्हां दे ऋणी आ धनवादी आ और अरदास करदे हां सच्चे पातशाह अगे कि इन्हां दी मनोभावना विच जो भी सेवा है उहनूं तुसीं इसे तरह ही बरकरार जिवें कहिंदे रखियो ते दया करदे रहो। इन्हां दी मत विच तुसीं चाह लायक मत पाई है, इहो जिहियां जिहड़ियां अनआइडेंटिफाइड ना मालूम संस्कार भी करते ने ते गायब गए मेरे ख्याल 6 महीने बाद 6 साल बाद उन्हां दा 6 महीने बाद गुरु साहब अगे अरदास बेनती करा करके उन्हां दी अंतम क्रिया दा भी करते हैं। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी सारे।